आरिफ भाई आप अपनी टीम सिलेक्ट कर लें और जैनब गोंदल आप अपनी टीम सिलेक्ट कर लें, भी हमें सपोर्ट भी तो चाहिए ना टीम्स के लिए, तो वो अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, फिर आप लोग सिलेक्ट कर लें कौन सी टीम किसकी जी टीम है। माय नेम इज मोहम्मद मुनीबुलहसन एंड आई एम फ्रॉम फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। वंडरफुल। माय नेम इज मोहम्मद मुदस्सिसलिंग, आई एम फ्रॉम फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मेरा नाम अनीब अमजद मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। माय नेम इज सैयद अली रजा फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी। ओके, टीम ए या टीम बी? जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी होगी टीम ए। चल पुत्र एथे आजा, तेरी होगी टीम बी। जरा बंटवारा कर देना जरा, हमारी टीम्स को भी तो एक सपोर्ट सिस्टम मिले, लेकिन सपोर्ट यहाँ तक ही है, सवालों के जवाब आपने खुद देने हैं और 8-8 सवाल दोनों सेगमेंट्स में होंगे, दोनों हिस्सों में, दोनों राउंड्स में। ओके, पहले राउंड के रूल्स, 8 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 8 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, हर सवाल का सही जवाब देने पे 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये राउंड है कुरान और सुन्नत का राउंड और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सोच समझ के और सवाल पूरा सुन के जवाब दीजिएगा, लेकिन बहुत लंबा गैप होगा तो मैं स्किप कर जाऊंगा। स्टार्टिंग विद यू टीम ए, आर यू रेडी? यस। 18वें पारे में कितने रुकू हैं? 17। बिल्कुल सही। सूरह नूह मक्की है या मदनी? मदनी। बिल्कुल सही। 19वें पारे में कितने रुकू हैं? 19। बिल्कुल सही। कुराने पाक की 31st सूरा कौन सी है? वक्त कम, मुकाबला सख्त। योर फर्स्ट आंसर विल बी द फाइनल आंसर। जवाब क्या है? स्किप करने से बेहतर है कि बता दें। सूरह रहमान। सूरह लुकमान। रॉन्ग आंसर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज्यादातर किस जगह अल्लाह ताला से कलाम करते थे? कोहे दूर। बिल्कुल सही बेटा, थोड़ा सा माइक के करीब जवाब दीजिएगा बेटे, ताकि सबको बुलंद आवाज में आपकी आवाज आ जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जवाब पे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ी पर चढ़कर इस्लाम की दावत का आगाज किया? पहाड़ी का नाम नहीं, गारे हिरा था। आपने पहाड़ पे, जवाब आपका गलत है क्योंकि आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया। गारे हिरा में जाके आपने इस्लाम की दावत का आगाज नहीं किया था, आपने कोहे सफा पे आगाज किया था। कोहे सफा इज द राइट आंसर। ओके, 19वें पारे की पहली आयत में क्या बयान हुआ है? तुआसीन नीम। 19वें पारे की पहली आयत में क्या बयान हुआ है? बयान क्या हुआ है? आपको जवाब नहीं आता? नहीं बेटा, अब तो मतलब टाइम भी निकल गया है ना, मुनकरीन खुदा के एतराजा, लेकिन इतना लेट आप जवाब नहीं दे सकते, इट्स अ क्विज। इस तरह से तो मतलब मैं तो फिर गूगल पे भी खोल के देख लूं, तो क्विकर प्लीज। रॉन्ग आंसर हो गया ये। सूरह मोहम्मद कुरान मजीद में किस नंबर पे है? बेटे जल्दी जवाब देना, क्विज है। 20 जी। 20। 47 इज द राइट आंसर, दैट वाज द रॉन्ग आंसर। आपने 4 सवालों के सही जवाब दिए हैं, विच ब्रिंग्स योर स्कोर टू 40, राइट? टीम बी, सवाल आसान नहीं है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके आगे बढ़ते हैं। कयामत का तस्करा सबसे ज्यादा किस पारे में हुआ है? 30वें पारे में। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। हजरत इब्राहिम कितने दिन आग में रहे? 40 रोज। बिल्कुल सही बेटा। कुरान मजीद की 23rd सूरा का नाम बताइए। नहीं पता? सूरह ताहा। सूरह अल मोमिनून इज द राइट आंसर। अल्लाह ताला के सिफाती नाम तवाब का मतलब क्या है? तौबा कबूल करने वाला।
बहुत ज्यादा तोबा कबूल फरमाने वाला राइट आंसर। गुड जॉब। हुजूर पाक का नाम मेहदी का क्या मतलब है? हिदायत याफ्ता। बिल्कुल सही बेटा, सही जवाब तो कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें पारे में कितनी आयात है? 343, 343। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नबी को कुएं में डाला गया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी मौजज़ा क्या है? कुरान मजीद। बिल्कुल सही, गुड जॉब। ओनली वन रॉन्ग आंसर एंड आपका स्कोर हुआ है 70। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और फौरन वापस आएंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में क्या होता है। बहुत ही स्पेशल सेगमेंट, राउंड वन के अंदर टीम ए ने स्कोर किया 40 और टीम बी ने स्कोर किया 70, लेकिन अगले राउंड में पल्ला पलट सकता है। हर सही जवाब पे 20 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। और इफ भाई डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, हालात बेहतर भी हो सकते हैं। सो 20 पॉइंट्स फॉर एवरी राइट आंसर, यानी कि इस राउंड में ईच टीम 160 पॉइंट्स गेन कर सकती है। सो टीम ए यू कैन कैच अप एंड टीम बी यू शुड बी केयरफुल। ठीक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि रमजान के बाबरकत महीने में स्पार्क स्मार्टफोन आया है आपके लिए तोहफों का खजाना। स्पार्क स्मार्टफोन्स की जानिब से जीतने वाले खुशनसीब को स्पार्क स्मार्टफोन की तरफ से मिलेगा शाइन विद स्पार्क्स ये पल्स वन वॉच। सो बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। ये मल्टीपल चॉइस राउंड है, इसलिए सारे ऑप्शन जरूर सुनिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। नमाज असर में कितने फर्ज हैं? 8, 4 या 12? फौरन जवाब दें। 4। बिल्कुल सही। मलका सबा का वाकया किस पारे में है? 19वें, 20वें या 22वें? 19वें। बिल्कुल सही बेटा। सूरह फुरकान की कुल कितनी आयात हैं? 78, 77 या 80? 77। बिल्कुल सही बेटा। सूरह शोरा मक्की है या मदनी? मक्की। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। 4 में से 4 जवाब सही। नेक्स्ट 4 की तरफ चलते हैं। सूरह सबा का आगाज किस पारे से होता है? 22nd, 23rd या 25th? आगे बढ़ जाऊंगी। 21st। बेटा 21st का तो ऑप्शन ही नहीं था, तो सवाल का जवाब गलत दिया आपने। 22nd, 23rd या 25th था। सो रॉन्ग आंसर। क्या किया ये तो एम ही खुद 20 मार्क आपने छोड़ दिए। 18वें पारे में कुल कितनी आयात हैं? 200, 202 या 205? 202। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। सुलह हुदैबिया मुसलमानों ने किस फरीक के साथ किया? मुशरिकीन, अहले किताब या मुस्लिम? मुशरिकीन मक्का। बिल्कुल सही बेटा, राइट आंसर। सूरह शोरा की कुल कितनी आयात हैं? 34, 50 या 53? 34, 50 या 53? 53। बिल्कुल सही, तुक्का लगाया, लेकिन सही तुक्का लगाया। ये तुक्का आपके लिए पॉजिटिव रहा। लो जी, अब देखे ना मेरे भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट देखो। बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है तो क्या बात है, यानी कि 7 सवालों के आपने सही जवाब दिए। ओके टीम बी उत्तर। ओके, हजरत मूसा और हजरत खिजर का वाकया किस पारे से शुरू हो रहा है? 15वें पारे से। राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन सुन लेते तो बहुत अच्छी बात थी। राइट आंसर, बट अब स्किप करोगे तो मैं फिर गलत कंसीडर करूंगी। सूरह फुरकान मक्की है या मदनी? मक्की। बिल्कुल सही बेटा। सूरह हुजरात का कुरान में कौन सा नंबर है? 50,
49 या 65? 50. Wrong answer. Close but not so close. 49 is the right answer. अंबियाए कराम से सबसे तवील उम्र किसने पाई? हजरत इस्माइल, हजरत नूह या हजरत ईसा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। हजरत हूद का पेशा क्या था? तिजारत, मजदूरी या जॉब करते थे? तिजारत। बिल्कुल सही बेटा। योदी पहाड़ पर हजरत नूह की कश्ती किस तारीख को रुकी? 10 रजब, 10 रबीउल अव्वल या 10 मुहर्रम? 10 मुहर्रम। बिल्कुल सही बेटा। अंबिया में सबसे पहले मेंबर पर खुतबा किसने दिया? सबसे पहले मेंबर पे किसने खुतबा दिया? हजरत आदम, हजरत इब्राहिम या हजरत इदरीस? हजरत इदरीस। रॉन्ग आंसर मेरा बेटा, हजरत इब्राहिम ने। लास्ट क्वेश्चन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने शहीफे नाजिल हुए? 27, 10 या 30? 27. रॉन्ग आंसर बेटा, 10. 10 इज द राइट आंसर। और तीन सवालों के आपने गलत जवाब दिए। तो इस वक्त स्कोर कहाँ खड़ा है? शेयर करूं? करूं? शुरू में कौन सी टीम आगे थी? ये वाली टीम। फिर इस राउंड में कौन सी टीम आगे हुई? ये वाली। फाइनल स्कोर जो है वो ये है, नेक टू नेक। सो टीम बी, आपका स्कोर हुआ है 170 और टीम ए हमारी विनिंग टीम है 180 के स्कोर के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड बॉयज। आरिफ भाई, जहां आपकी सपोर्ट होती है वो ऑटोमेटिकली जीत जाते हैं। आपको मैं बाद में सेट करूंगी, बल्कि बच्चे आपको बाद में सेट करेंगे। आइए जी, अरे भाई, आपके मुबारक हाथों से बच्चों को इनाम। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज, वेल डन, वेल डन भाई। बहुत सी तालियां हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए। और अब हम जरा बैठते हैं जी। ज़ैनब गोंदल, अब एज अ होस्ट आप हमसे क्या सवाल करना चाहेंगे, बताएं। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नहीं, नहीं, आप अभी हौसला करें, पहले मुझे ये तो बताने दें कि ब्रेक के बाद होने क्या जा रहा है। मतलब स्पीडो स्पीड ना। आगे जाके हमारे बहुत ही प्यारे और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, हमने आरिफ और शायद को जरा थोड़ी सेपरेशन उनमें क्रिएट कर दी है, लेकिन हो नहीं सकती।